हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और देखिए, सुबह का टाइम है और हमने अभी ने सभी पेड्स को देखिए दे दिया है घास खाने के लिए। इसमें बरसात का टाइम है और घास आसानी से गाइस मिल जा रहा है। और घास इन लोग का फेवरेट फूड है गाइस, तो घास इनको खिलाने से इनके पेट भी ठीक रहते हैं और इनका विकास भी अच्छा होता है गाइस। तो हमने अपने सारे पेड्स को, छोटू को, गिनी को और सब देखे कितने प्यार से घास का एंजॉय कर रहे हैं। गिनी भी है, छोटू भी है, मोटू भी है, वाइटी भी है और सब देखे गाइस घास का एंजॉय करते हुए। इधर से मैं वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितने प्यार से बैठ के ये लोग घास खा रहे हैं। और गिनी हमारी देखिए, मोटू भी बहुत ही एंजॉय कर रही है घास को गाइस, क्योंकि घास इन लोग का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही अच्छा। जैसे घास खाने से इनके पेट भी ठीक रहते हैं, इनका लीवर ठीक रहता है और इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो ठीक रहता है। जैसे कि इन लोग की जो पोटी होती है वो सूखी निकल होती है, नहीं तो अगर आप हम चावल और खिलाने से गाइस इनका थोड़ा पेट डाइजेशन ख़राब होता है। मजबूरी है कि हम लोग को घास नहीं मिल पाता है, तो हम लोग को मजबूरी के तहत इन लोग को जो मिलता है वो खिलाना पड़ता है गाइस। तो ये आप देख रहे हैं कितने आनंद से, वाइटी भी देखिए इंजॉय कर रही है और हमारा देखिए रुस्तम वहाँ बैठा है। रुस्तम को हमने खाने में दे दिया है गेहूँ और वो गेहूँ का इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्यारे से रुस्तम है गाइस, ये देखिए बच्चे हैं, ये इनको हैंड फीडिंग करना था लेकिन अपने से खाना चालू कर दिए हैं। और ये देखिए हमारे राजा वहाँ बैठे हुए हैं, राजा का वो घर बन गया है। और देखिए गाइस, ये हमारे चीखी मिकी हैं, देखिए ये लोग कितने बड़े बड़े हो गए हैं गाइस। जो भी मिलता है कहता है इनको काटा जाए, लेकिन नहीं, बचपन से पाला गया है, काटा क्यों जाएगा इनको। ये हमारे प्यारे प्यारे चीखी मिकी हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं कहते हैं तो तैयार हो गया इसका कट पीस लेग पीस खाया हुआ जाएगा, लेकिन नहीं गाइस, बचपन से पाले हुए चीज़ को आप खा नहीं सकते हैं क्योंकि इनसे एक लगाव हो जाता है। और जितना इनकी सेवा में मैं ध्यान दिया हूँ गाइस और इनको इतना बड़ा किया हूँ, बहुत मुश्किल से इनको मैं इतना बड़ा कर पाया हूँ। इन लोग के लिए देखिए साफ पानी भर कर रख देता हूँ, जिससे कि इन लोग पानी दिक्कत ना हो। इन लोग का देखिए घूमने का फिरने का एरिया इतना बड़ा है गाइस, जैसे कि इन लोगों को दिक्कत ना हो। और ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं अपने फूड का, छोटू मोटू गिनी चिकू। जब तक बरसात है इन लोगों को घास मिलेगा खाने को, तब तक मैं इनको घास प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि उन लोग का देखिए कितने मस्ती से खा रहे हैं, इंजॉय से। एक भी पेड़ हमारे इधर इधर घसक नहीं रहे हैं, सिर्फ खाने पे ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है घास। और इनको मैं कभी कभी घास दे पाता हूँ, क्योंकि शहर में जानते हैं घास मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इन्हें हर ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराऊँ जिससे कि इनको फ़ायदा हो। और इनका मन भी खुश रहे, देखिए छोटू खोज रहे हैं कहाँ कहाँ से। कहा किसी को लेंगे, कहा किसी को लेंगे, दादा उदा सब है, घर के लोग है तो क्या अलग से बताएगा कुछ। दादा जा रहे हैं, हाँ बस खाना है, एक मिनट। तो गाइस देखे मस्ती करते हुए हमारे बडीज पैरेट, ये तीन नहीं गाइस चार हैं, और कितने प्यारे प्यारे हमारे बडीज पैरेट हैं। और दिन भर इनकी चिलकलाहट घर में घुसती रहती है, इतना अच्छा लगता है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि हमारे घर में बताया जाता है कि पक्षियों को पालने से घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है और पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है, तो सच्चाई है कि इनके रहने से घर में खुशी रहती है, क्योंकि हमेशा इनकी मधुर चिलचिलाहट सुनने का मौका मिलता है और इतनी अच्छे से लोग
चिल्लाहट करती है। देखिए हमारी एक और बडीज है जो कि अपना किनारे बैठी हुई है। ये सब आपस में मस्ती करते हुए एंजॉय करते हुए पूरा समय बिता देते हैं, इसलिए इनके लिए थोड़ा बड़े पिंजरों का प्रबंध किया गया है, जिससे कि बड़े पिंजरे में रहें तो इनको जब बड़ी जगह मिल जाए घूमने फिरने के लिए। ये देखिए हमारे बडीज पैरेट एंजॉय करते हुए अपने छोटे से मिनी जू में। गाइस हमको और भी चीज़ों को बढ़ाना है, अभी मैं कभी बम्बई जाऊंगा तो मैं और भी चीज़ों को लेके आऊंगा, और भी बर्ड्स और रेप्टाइल्स को लेके आऊंगा, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा उनकी सेवा सत्कार में भी मज़ा आए। ये देखिए हमारे बडीज पैरेट गाइस, हमारे रुस्तम, छोटू और ये देखिए हमारे चीकू, ये सब देखिए बैठे हुए हैं। और ये देखिए इन सबों को अभी घास उस दिया, उससे